स्पेशल रिपोर्ट का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी की नव निर्वाचित सांसद और हीरोइन कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। जी हां, खबर आ रही है कि कंगना रनौत को किसी ने थप्पड़ मारा है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है सीआईएसएफ महिला जवान पर ही, चूंकि सीआईएसएफ सिक्योरिटी उन्हीं के हवाले होती है एयरपोर्ट की। तो उसी दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीआईएसएफ महिला जवान पर ही आरोप लगा है कंगना को थप्पड़ मारने का। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, किस तरह से चंडीगढ़ की तस्वीरें एयरपोर्ट की सामने आई है, जहां पर सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ की ही महिला कर्मी की तरफ से कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है यह आरोप लग रहा है। इसके बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी उसी की तस्वीरें सामने आई हुई हैं, क्योंकि जब एयरपोर्ट में जब चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, उस दौरान महिलाओं का रास्ता अलग होता है, पुरुष यात्रियों का रास्ता अलग होता है। तो ये माना जा रहा है, आरोप लग रहा है कि यहीं से कंगना रनौत सिक्योरिटी चेकिंग के जरिए जब जा रही थी, और महिला की जो सिक्योरिटी चेकिंग है वो महिला अधिकारी की तरफ से ही, महिला सुरक्षाकर्मी की ही तरफ से की जाती है, तो उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है। और इसी दौरान इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया। क्यों मारा है थप्पड़, क्या वजह है इसके पीछे की, ये अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया। लेकिन तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, किस तरह से कंगना रनौत, जो कि हिमाचल प्रदेश की मंडी से अभी हालिया आए चुनाव नतीजों में जीत कर आई हैं, बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया गया मंडी लोकसभा सीट से, हिमाचल प्रदेश की ये कंगना रनौत जीत कर आई हैं। कई फिल्मों में काम किया बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को, इस तरह से अगर ये किया गया है या किसी के साथ भी अगर इस तरह से किया जाता है तो वो सही कहीं से भी नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अभी बताना अभी इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कैसी स्थिति वहां पर बन गई थी, क्योंकि अचानक से जब कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की बात सामने आई तो कंगना रनौत भी वहां पर थोड़ा देखते हुए पुलिसकर्मी, या यूं कहें कि माफ कीजिएगा सीआईएसएफ के जो कर्मी थे और जो वहां पर लोग मौजूद थे वहां पर पहुंच गए और स्थिति को संभालने की उनकी तरफ से कोशिश की गई, ये कोशिश उनकी तरफ से की गई। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का ये आरोप लगा है। तो वहीं मौजूद किसी यात्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें वहां पर रिकॉर्ड की गई हैं मोबाइल के जरिए, लेकिन कैसे एकदम से अचानक से अफरा तफरी सी वहां पर हो गई थी, अफरा तफरी से का माहौल वहां पर हो गया था, और इसी बीच ये अपने आप में सवाल उठने वाली बात कि आखिर क्या कारण है कि कंगना रनौत के ऊपर ये इस तरह से थप्पड़ मारा गया है। कंगना रनौत को फिलहाल यही आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी तय है कि अगर किसी यात्री को कोई जो सुरक्षाकर्मी है, जिसका काम है, जो ड्यूटी पर है, वो सुरक्षा में तैनात है, उसका काम चेकिंग करने का है, अगर वो इस तरह से करता है तो ये अपने आप में सही नहीं ठहराया जा सकता। इसको लेकर ये साफ कहा जा रहा है कि इसका कारण क्या है, इसका कारण फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए।